हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सार्क टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें विट प्रॉक्सी वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, दोस्तों इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये एक प्रॉक्सी वीपीएन एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको आसान से तरीके से यूजिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसका आपको आगे का प्रोसेसिंग बताऊं तो जिसके अंदर यहाँ पे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड आपको सामने दिखाई देंगी। काफी सारे कंट्रीज के सर्वर्स आपके सामने आएंगे गाइस। यहाँ पे आप कनेक्टिविटी लेके आप इसको इजीली तरीके से यूजिंग कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे आप इजीली तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अबाउट सेक्शन भी छोटा सा दिया हुआ, स्मॉल सा ऑप्शन अवेलेबल से। तो चलिए करते मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बता दो इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट किस प्रकार से आएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया जिसके अंदर यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना है। व्हाइट लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा FR2 के ऑप्शन पे टच करना एंड यहाँ पे आपको इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पे सर्वर्स चेंजर ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको जो अभी यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो गया ये पूरे की पूरे दोस्तों ये सर्वर्स अवेलेबल से जिसके अंदर CR UCS कनाडा एंड यहाँ पे इस प्रकार से आप सभी चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए हो नहीं पा रहा ओपन, बट आपके मोबाइल्स में ओपन हो जाएंगे। किसी भी एक सर्वर्स को यहाँ पे कनेक्टिविटी पर ले लेना है। यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पे राइट करके अल्ट्रा अलाउ करना है एंड गाइस अल्ट्रा अलाउ करने के बाद यहाँ पे वेट करना है एंड वेट करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑन हो जाएंगे। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबल जाएंगे जो कनेक्टिविटी यहाँ पे आप चाहते हैं। इस प्रकार से कनेक्टिविटी ऑन होकर आ जाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे आपको टाइमर दिखाई देगा 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइमर दिखाई देने के बाद आफ्टर द 10 मिनट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। एंड गाइस अगर आप यहाँ से बिकॉज टाइम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड देख के यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन तो यहाँ पे 13 मिनट का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे तो कनेक्टिविटी अपन ने ले लिए। ये 3.12 लाइन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से एप प्रॉक्सी सेटिंग के ऑप्शन पर जाना, ग्लोबल ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पर टच रहना है। यहाँ पे आपको आपके सामने इस प्रकार से आएगा सबमिट यहाँ एप्लीकेशन प्रॉक्सी। इस प्रकार से इसको सभी चीज़ इसको यहाँ पे इस प्रकार से रहने देना है दोस्तों। ग्लोबल मोड पे लगा हुआ रहने देना। इस पर ग्लोबल मोड का ऑप्शन इस प्रकार से जिसके अंदर डायरेक्टली कि सभी एप्लीकेशन पे वर्क करेगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ से इसको रहने देना। शेयरिंग ऑप्शन अवेलेबल से, रेटिंग प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल से गाइस। अब अपन ने जिस चीज़ के लिए इसको यूजिंग करना था उस चीज़ के लिए अपने इसको यूज़ कर लिया। जो चीज़ ब्लॉकिंग ऑप्शन था वो ब्लॉकिंग ऑप्शन ऑन कर चुका, वेब सीरीज सब चीज़ें देख चुके हैं अपन। अब इसको डिसकनेक्टिविटी कैसे करेंगे। डिसकनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ऑप्शन पर टच करना है, लॉक वाले ऑप्शन पर टच करना है, कुछ सेकंड का वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे जो कनेक्टिविटी दे दिया आपने वो यहाँ पर डिसकनेक्टिविटी होकर आ जाएंगे। कैसे होंगी मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे अब आपके सामने यहाँ पे राउंड अप हो रहा होगा। ये राउंड होने के बाद कंप्लीटली यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो चले करते हैं यहाँ पे एवेट और आपको बताता हूँ। ऐड आएंगे, ऐड को क्लोज कर देना। ऐड को क्लोज करते ही आपके सामने इस प्रकार से कनेक्टिंग यहाँ पे फेल्स आपके सामने दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट है गाइस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।